चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास की इंग्लिश है और यूनिट नंबर 1 कुरान मजीद की आयत है, यहाँ से हमने आगाज़ करना है। तो आसानी के लिए मैंने यहाँ पे मुश्किल अल्फाज के जो मानी हैं वो मैंने लिख दिए हैं। वैसे तो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव मैं सेपरेट लिखवाता हूँ और यहाँ भी मैंने सेपरेट लिखे हैं, इसलिए ताकि टाइम की बचत हो जाए। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सुन लें कि उनके लिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिक्स हैं ये समझना ये ज़रूरी है। तो इसलिए जो है ना, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ चैप्टर 1 और 2 में पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 चीज़ें जो हैं वो उसकी प्रैक्टिस करवाऊँ, आपको निकाल के दूँ, और फिर आगे आगे जैसे हम जाएँगे तो और भी चीज़ें हम ऐड करते जाएँगे। और फिर जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाउन निकाले हैं, तो नाउन की जो मुख्तलिफ़ अकसाम है वो भी मैं बताऊँगा, वर्ब की जो मुख्तलिफ़ अकसाम है मैं वो भी बताऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा मैं, और एडजेक्टिव जो है उसकी जो मुख्तलिफ़ अकसाम है मैं वो भी बताऊँगा। और मेरा ख़्याल है ये वो काम है कि मैंने जो YouTube पे जो सर्च की और जो मैंने अभी भी देखा है, अब तक जो मुझे वीडियोज़ मिली उनमें ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि बच्चों की जो बेसिक चीज़ें उनके ऊपर काम कम ही करवाया जाता है। अमूमन ये किया जाता है कि बच्चे जो है ना वो पेपर पास कर लें और क्वेश्चन आंसर याद कर लें, उनको जो गैस पेपर है वो बता दिया जाए, क्वेश्चन बता दिए जाएँ और ट्रांसलेशन बता दी जाए। तो आप कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत मुफीद है। नाउंस में ये देखें जी, लॉर्ड आका, क्लॉट, ये कोई लिखना पड़ सकता है मार्कर की, मुझे मार्कर दे दें, क्लॉट लोथड़ा, CLOT क्लॉट लोथड़ा, रिविलेशन आमद, मैसेज पैगाम, वननेस वह दानियत, यूनिटी इत्तेहाद, मिशन मंसूबा, नेक्सस ताल्लुक, सुपरस्टिशन तवहुम, इग्नोरेंस जहालत। और इस तरफ आ जाएँ, कुछ नाउन जो है ना वो मतलब है रह गए थे यहाँ लिखने के लिए, जगह नहीं थी तो मैंने इस तरफ लिख दिए हैं, डिसबिलीफ बदअकीदगी, एनमिटी दुश्मनी, कंसेप्शन तसव्वुर, फेथ अकीदा, बलिस सादत, डोमिनेंस तसल्लुत गलबा, फॉलोवर पैरोकार, कॉज मकसद, आइडल वर्शिपिंग बुतों की इबादत, डेलीगेशन वफ्त। अब आप मुझे ये कहेंगे कि ये नाउन कैसे कैसे हैं, तो ये देखें, नाउन की डेफिनेशन आप क्या करते हो, नाउन की डेफिनेशन आप क्या करते हो, चीज़ों के नाम, ठीक है, जानदारों के नाम और जगहों के नाम, या इंसान के जो मुख्तलिफ अहवाल हैं इनके हवाले से जो मुख्तलिफ नाउन आते हैं उनको आप, उन जो इसम आते हैं उनको आप नाउन कहते हो। और दूसरी अलामत ये होती है नाउन की, आपको ये बताता हूँ कि आप नाउन के साथ अगर आप एडजेक्टिव लगाएंगे वो लग जाएगा, आप एडजेक्टिव के साथ, इधर एडजेक्टिव नाउन के साथ आएगा और अगर आप नाउन के साथ आप एडजेक्टिव लगाएंगे तो लगेगा, कोई भी वसफ आप लगा सकते हैं, मसलन आका गुड लॉर्ड अच्छा आका, बैड लॉर्ड बुरा आका, सही है, ऐसे क्लॉट लोथड़ा, कंजील्ड क्लॉट अभी आपने पढ़ा है, जमा हुआ लोथड़ा, ठीक है, रेड क्लॉथ क्लॉट सुरख लोथड़ा। तो इस तरह ये जितने भी मतलब ये नाउन है ना, इधर इनमें से कोई ले लें, फ़र्ज़ किया फेथ अकीदा, ठीक है, बेस्ट फेथ बेहतरीन अकीदा, गुड फेथ बुरा अकीदा, बैड फेथ सॉरी गुड फेथ अच्छा अकीदा, बैड फेथ बुरा अकीदा, सुपरस्टिशियस फेथ तवहुमात वाला अकीदा। तो आप इनमें से भी कोई लेंगे तो बस आप बेसिक ये समझें कि ये नाउन है, आप इनको याद कर लें, फिर आगे इनकी जो है काइंड्स हैं ना, इधर देखें काइंड्स, जो इनकी जो काइंड्स हैं भाई, ये क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या सिंगुलर है या प्लूरल है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटीरियल नाउन है, कौन सा नाउन है वो हम आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाउन क्या है, और जो वर्ब हैं ये कौन सा पैरा हमने पढ़ना है, भला ये कुरान मजीद की आयत का ट्रांसलेशन पढ़नी है और पैरा नंबर 6 है, और जो 7 है वो तकरीबन एनमिटी आधा पैरा है, यहाँ तक हमने पढ़ना है। तो यहाँ तक मैंने ये लफ्ज लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे ये वर्ब हैं उसमें ये लफ्ज जो मैंने
जो है ना क्या कहते हैं जिनके मानी मैंने देखे कि मैं लिख दूँ, कुछ मैंने छोड़ भी दिए दो चार। क्रिएट, क्रिएट पैदा करना। टॉट सिखाना। कंटिन्यू जारी रहना या जारी रखना। अराइज, अराइजन लिखा हुआ है, अराइज अरोज अराइजन उठना। अराइजन थर्ड फॉर्म है, वो हेड का लफ्ज़ आ गया ना, थर्ड फॉर्म आ गई है। प्रोक्लेम दावा करना। डिस्ट्रॉय तबाह करना। थ्रेटन ख़तरा बनना। माउंट बढ़ाना, माउंट चढ़ना इसका माना आता है, तो मैंने यहाँ पे बढ़ाना वैसे मैंने खुद किया, डिक्शनरी में मैंने देखा नहीं है, हम देख लेंगे। माउंट रिनाउंस तर्क करना। रेस्ट्रेन रोकना। तो ये वर्ब हैं और इनकी जो है ना तीन तीन शक्लें आपको आनी चाहिए, आपको कम से कम जो वर्ब हैं उनकी पहचान और उनकी तीन शक्लें आनी चाहिए और ये आप याद करें। बाकी आगे जो वर्ब्स की काइंड हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है और इसके अलावा जो बाकी हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर समझाऊंगा। ये अब ये एडजेक्टिव्स हैं, इसमें वसफ़ हैं, ये अस्माए अफ़ाल हैं और ये इसमें वसफ़ हैं जो नाउन के साथ आते हैं और उसके माने में इजाफ़ा करते हैं। कंजील जमा हुआ। बाउंटीफुल मुअज़्ज़ज़ डिवाइन आसमानी। नोबल मुअज़्ज़ज़ आला। पैगन काफ़र। और केयरिंग ख्याल रखने वाला। और इसकी निशानी ये होती है, इसकी निशानी ये होती है कि अमूमन ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन के साथ आते हैं और उसके माने में ये इजाफा कर रहे होते हैं। जैसे कि ये कंजील्ड जमा हुआ, ये किसके साथ आया था? क्लॉट लोथड़े के साथ आया हुआ है, तो ये लोथड़े के माने में इजाफा कर रहा है, उसका एक अलग जो पहलू है, एक जो अलग वसफ़ है वो बता रहा है। ठीक है जी, अब आप पैरा देखें। तो मैंने ये इसलिए ऐसा किया है कि अगर मैं सेपरेट एक एक लफ्ज़ बोल के लिखवाता हूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे और स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं इंतज़ार में, वो परेशान हो जाते हैं फिर, तो मैंने कहा चलें वो सब याद करते हैं और मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ, आपके लिए भी आसानी है और इनके लिए भी आसानी है। चलें, रीड इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। खलक अल इंसान मिन अलक। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लम अल इंसान मा लम यालम। अब ये लिख ट्रांसलेशन इसकी, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्राम अ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड। रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल हु टॉट द यूज ऑफ द पेन टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। रीड आप पढ़ें, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, ये पुराना यूवर की पुरानी शक्ल है, अपने आका के नाम से, हु क्रिएटेड जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन इंसान को पैदा किया, फ्राम अ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड जमे हुए खून के एक लोथड़े से। रीड पढ़ें, एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, और आपका आका बहुत मुअज़्ज़ज़ है, हु टॉट जिसने सिखाया, द यूज़ ऑफ द पेन पेन का इस्तेमाल, टॉट मैन इंसान को सिखाया, दैट ये विच ही न्यू नॉट जो वो नहीं जानता था। पैरा नंबर 6 की तरफ आ जाएँ, द रिविलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन एंड द रसूल हैड अराइजन टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद। आगे उसकी वजाहत है, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। कहते हैं द रिविलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, आसमानी पैगाम की आमद, विच कंटिन्यूड जो कि जारी रही, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर अगले 23 साल के लिए, हैड बिगन वो शुरू हो चुकी थी। ये बिगिन आसान है, बिगिन बिगेन बिगन मैंने लिखवाया नहीं यहाँ पे, ये वर्ब है। एंड द रसूल हैड अराइजन, और पैगंबर खड़े हो चुके थे, टू प्रोक्लेम दावा करने के लिए, वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड और इंसानियत के इत्तेहाद का, सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग बनी जो है ना सॉरी आदम की औलाद हैं, बनो आदम हैं और कोई डिफरेंस नहीं है रंग की वजह से या किसी और वजह से। हिज मिशन वाज, आपका मकसद था, टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। आपका मकसद था टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना, ख़त्म करना, द नेक्सस ताल्लुक ऑफ सुपरस्टिशन तवहुमात का, वहम का ताल्लुक, एंड इग्नोरेंस और जहालत, एंड डिसबिलीफ और बदअकीदगी का जो ताल्लुक है इंसानों के साथ, सेट अप अ नोबल कंसेप्शन और कायम करना एक आला अरफा तसव्वुर ऑफ लाइफ ज़िंदगी का, एंड लीड मैनकाइंड
और इंसानियत की रहनुमाई करना टू द लाइट ऑफ फेथ अकीदे की ईमान की रोशनी की तरफ एंड डिवाइन ब्लिस और आसमानी सादत खुशबख्ती की तरफ। पैरा नंबर 7 भी आधा हमने पढ़ना है। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल एंड हिज फॉलोअर्स। चूँकि ये अकीदा वॉज थ्रेटनिंग ख़तरा बन रहा था देयर डोमिनेंस उनके गलबे के लिए इन द सोसाइटी जो माशरे में उनका गलबा था। द पैगन अरब्स अरब काफर स्टार्टेड टू माउंट उन्होंने प्रेशर दबाव बढ़ाना शुरू किया। ये प्रेशर भी नाउन है, ये अमूमन इस्तेमाल होता है जगह की तंगी की वजह से मैंने छोड़ दिया। प्रेशर ऑन द रसूल पैगंबर एंड हिज फॉलोवर्स और आपके पैरोकारों पे। दे वांटेड देम उन्होंने उनसे चाहा टू रिनाउंस देयर काज कि वो तर्क कर दें अपना मकसद एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग और बुत परस्ती बुतों की इबादत को वो अपना लें। टेकन ये भी वर्ब है। ऑन वन ओकेजन एक मौके पे, ओकेजन भी नाउन है और ये ओकेजन मौका ये मुझे भूल गया सॉरी। दे सेंट अ डेलीगेशन उन्होंने भेजा एक पैगाम, ये सेंट ये वर्ब है। अ डेलीगेशन एक वफद टू द रसूल्स काइंड पैगंबर के मेहरबान एंड केयरिंग अंकल और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब की तरफ। ये काइंड जो है ये भी एडजेक्टिव और केयरिंग भी। दे टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन द रसूल फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज और फेस देयर एनमिटी। उन्होंने उन्हें बताया, दे टोल्ड हिम उन्होंने उनसे कहा टू रेस्ट्रेन कि वो रोकें द रसूल पैगंबर को फ्राम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज अल्लाह कादर मुतलक के पैगाम को पहुँचाने से प्रीच करने से तबलीग करने से। प्रीच ये भी फ्राम प्रीचिंग ये भी नाउन कह लें आप, इसके ऊपर ये प्रेपोजिशन दाखिल है ना, इसलिए फ्राम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज और फेस देयर एनमिटी और या फिर सामना करें देयर एनमिटी उनकी दुश्मनी का। तो एनमिटी ये भी जो है ना ये नाउन है, यहाँ पर लिखा था मैंने, ये ऊपर लिखा हुआ है। चलें जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम आगे पढ़ेंगे।